हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल साइंस सरल। और आज हम फिर से करने वाले हैं बहुत सारी गार्डनिंग जो कि आउटडोर प्लांट्स की है बेसिकली। तो आज मैं लगाने वाली हूँ क्रोटॉन। जैसे कि आपको पता है कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, तो ये जो फेब्रुअरी का टाइम होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कि जब आप अपना गार्डन रेडी कर सकते हो। और अगर आपने अभी अपने गार्डन में मेहनत कर ली, तो उसके बाद आपको पूरी गर्मियाँ कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, राइट? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सभी गमलों में मैं फर्टिलाइज़र लगा रही हूँ, मिट्टी को थोड़ा सा प्रून कर रही हूँ, उनको थोड़ा सा मिट्टी को पोरस बना रहे हैं, और प्लांट्स की पत्तियों को हम प्रून कर रहे हैं। तो कल मैं गई थी मेरी फेवरेट जगह द हेवनली वर्ल्ड नर्सरी, तो मैं वहाँ से कुछ बहुत सारे प्लांट्स लेके आई हूँ। वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, और आपको बहुत अच्छा लगेगा उन्हें देख के। बट आज जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ पॉटिंग। पॉटिंग कर रहे हैं आज हम इसकी, दिस इज़ क्रोटॉन, ठीक? मैं इसका वीडियो पॉटिंग का मैंने पहले भी बनाया है कि आप प्लांट कैसे लगाते हो, राइट? बट आज वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे इसीलिए लगी क्योंकि ये जो प्लांट है, ये बहुत ही सॉगी है। सी, इसकी जो मिट्टी है, मैं इसका गोला बना सकती हूँ, देख रहे हैं? यानी बिल्कुल चिकनी मिट्टी, ऐसी मिट्टी हमें नहीं चाहिए होती। और जब मैंने इसको पॉलीथिन में से निकाला, तब ये पूरी तरीके से, वन सेकेंड लेट मी शो यू, सी इस तरीके से इसका हाल है। तो मैं कैसे हम अपनी मिट्टी के साथ इसकी जड़ों को मिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी जड़ें तो यही सॉगी मिट्टी पकड़ी हुई है, राइट? तो आज हम इसी को थोड़ा सा दूर करने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपको वन बाय वन सब दिखाऊँ। अगेन मैंने वही अपनी गार्डन सॉइल प्रिपेयर करके रखी हुई है। गार्डन सॉइल का वीडियो मैंने आपको प्रीवियस उसमें मैंने प्रोवाइड कराया है कि गार्डन सॉइल कैसे बनाते हैं, पॉट सॉइल हम कैसे बनाते हैं। सी, अगेन ये मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉगी है गाइस, देखो अभी भी गोला बन रहा है जबकि मैंने इसमें अपनी मिट्टी मिला दी। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एक पॉट लेना है। ये मैं बड़ा पॉट ले रही हूँ, इसके अंदर ड्रेनेज होल भी मैंने बनाया है। बड़ा पॉट इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि, वन सेकेंड, मुझे कैमरा सेट करना पड़ेगा यहाँ पर बार बार, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉट में थोड़ी सी मैंने सूखी मिट्टी डाल दी है, बजरी टाइप, जिससे कि पोरस रहे। उसके बाद मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है कि गार्डन सॉइल या पॉट सॉइल हम कैसे तैयार करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब हमें करना क्या है, कोई भी ऐसा प्लांट जो अपनी जड़ें बहुत बुरी तरीके से पकड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमें कैंची लेनी है, और बहुत ही हल्के हाथ से। अगेन हमें जड़ें काटनी नहीं है, बट उनमें स्पेस बनाना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का हल्का नीचे से पुश करना शुरू करेंगे। अब ये इस प्लांट ने, ड्रेसेना ने, ये येलो वाला है, ठीक है, मेरे पास दूसरा भी है रेड कलर का, सॉरी ये ड्रेसेना नहीं है, आई एम रियली रियली सॉरी, दिस इज़ क्रोटॉन। एक्चुअली ड्रेसेना उधर रखा हुआ है, तो मेरे को उसी का ध्यान आ रहा था क्योंकि उसमें से मुझे बेबी प्लांट्स निकालने हैं, वो वीडियो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। सो बेसिकली दिस इज़ क्रोटॉन, मेरे पास रेड वाला क्रोटॉन भी है नीचे रखा हुआ है ये रहा, और उसके अलावा मैं अभी येलो क्रोटॉन लेके आई हूँ। अगेन बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, इसकी लीव्स ही इसकी ब्यूटी है। तो हमें करना कैसी, हल्का हल्का हल्के हाथ से मुझे इसमें स्पेस बनाना है, और जो एक्सेस अमाउंट है, देखिए इस मिट्टी में कोई भी रूट नहीं है, इस तरीके से इस मिट्टी को हमें अलग करना है और रूट्स को फ्री करना है, रूट्स को आज़ाद करना है ताकि वो नई सॉइल के साथ मिल पाए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अपने तौर अपने ही जनरल अंडरस्टैंडिंग से करनी पड़ती है, क्योंकि हर प्लांट, मैं तो यही कहूँगी कि प्लांट की ज़रूरत अलग अलग होती है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सभी प्लांट्स को चाहिए, और कुछ ऐसा भी है जो हर प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक कुछ टिप्स हैं। तो अगर हम बात करें क्रोटॉन की, तो क्रोटॉन एक ऐसा पौधा है जो कि छनी हुई धूप पसंद करता है, आप इसको इंडोर भी रख सकते हो। मैंने पहले भी बोला है कि इंडोर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसको कम धूप चाहिए होती है बेसिकली। तो अगर आप इसे घर के अंदर रखेंगे, तो लगभग हफ्ते में एक या दो दिन इसको शाम के टाइम बाहर निकालो, रात भर छोड़ दो, फिर सुबह की इसे धूप लगने दो, और दोपहर होने से पहले पहले इसको वापस अंदर रख लो। तो ये तरीका है, एक हफ्ते में एक दिन इनको आउटिंग की ज़रूरत होती है, सभी इंडोर प्लांट्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मोस्ट कॉमन है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसको यहाँ से भी हल्का हल्का सा डिग कर रही हूँ ताकि ये जो सॉइल है ये निकल जाए, क्योंकि ये हमारी सॉइल के साथ मिक्स नहीं होने देगी वरना। तो मुझे थोड़ा सा पोरस करना पड़ेगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता जब मैं ऐसे करती हूँ, बट ये इसके लिए ज़रूरी है वरना प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। सी, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट जड़ें जो हैं इसकी, उन लोगों को पोर्स बना दिए हैं इसके अंदर,
सॉरी गाइज, मेरा ध्यान थोड़ा सा ना इसकी तरफ ज़्यादा है, तो मैं शायद आपको इतनी अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ आज, बट मेरा ध्यान पूरी तरह इस पौधे पर है आज। बस हल्का हल्का हमें इसको ड्रिप कर देना है, ऊपर से भी मैं थोड़ा बहुत करूँगी। ये मैं इसको लोमी सॉइल कहती हूँ, इतनी लोमी सॉइल भी नहीं रखनी चाहिए हमें प्लांट्स की कि वो एकदम बुरी तरह चिपक जाए, पर जो नर्सरी वाले होते हैं क्योंकि उन्हें प्लांट को ट्रैवल कराना होता है, ये लाल मिट्टी यहाँ की नहीं है, है ना, यूपी में तो मिलती ही नहीं है ऐसी रेड मिट्टी, तो ये पक्का कहीं कैलकटा या साउथ से कहीं से आया होगा पौधा, ये मे बी साउथ में मिलती है रेड सॉइल ऐसी बिल्कुल सेम। तो मैंने इसको हल्का बहुत पोरस कर लिया है, अब हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले मैं ये लोमी सॉइल हटा रही हूँ यहाँ से, हम इसे दोबारा काम में ले लेंगे, बट अभी नहीं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अगेन जो मैंने सॉइल तैयार करी थी, गार्डन सॉइल अपनी वाली, ये रही, वन सेकेंड, ये रही। अब हमें इसको इस पॉट के अंदर डालूँगी धीरे धीरे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो ये सॉइल है, एक मिनट डिब्बे वाली ले लेते हैं, ये रही, कि जो ये सॉइल है, सबसे पहले ये सॉइल डालूँ, उसके बाद थोड़ी सी खाद इसके आसपास डालूँ। तो हमने ये डाली अपनी सॉइल, अगेन मिट्टी वगैरह जो आया आप हटाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना फर्टिलाइज़र, ये मैं एक्स्ट्रा कॉशियस उस पर मिला रही हूँ, आप चाहो तो मत मिलाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा एक ऐसा पौधा है जो ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, आप इसको फर्टिलाइज़र थोड़ा सा दे दो, उसी में वो खुश रह सकता है, बस इसको सनलाइट और वाटरिंग कम ही करनी है इसकी थोड़ी। अब हम इसको, अब गर्मी आएंगी तो हो सकता है मे बी उसको मुझे हर दिन वाटर करना पड़े, बट अभी तो मैं यही बोलूँगी कि ज़्यादा वाटर ना ही करो प्लांट्स को, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आगे क्या करना है पौधे के साथ। तो अब मैंने ये रूट्स यहाँ पे फ्री हैं, देखो गमले के अंदर रूट्स मुझे साफ साफ फ्री दिख रही हैं। अब मैं इसको अपनी मिट्टी से दबा दूँगी, हमारी सॉइल इसको अच्छे से दबा दूँगी। क्रोटन बहुत ही सुंदर और खुश रहने वाला पौधा है, ठीक, आप इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती इसको, बस आप सनलाइट का ध्यान रखो और पानी का ध्यान रखोगे तो कोई भी पौधा आराम से चल सकता है। अगेन इसको दबाने की तो ज़रूरत मुझे लग नहीं रही, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको पुश कर दूँगी। मैंने मिट्टी अच्छे से डाल दी, लगा दी है इसके अंदर, यहाँ पर सी इसके अंदर यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीम की खली डालने वाली हूँ। नीम की खली जो है थोड़ी सी डालनी चाहिए, बट इसे कहते हैं ऐसे अच्छी ग्रोथ होती है, मैं भी इसे पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, बट देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी, आई होप हमारा पौधा ज़िंदा रहे। तो मैं इसे मिला रही हूँ ये नीम की खली, ठीक, क्योंकि जब आप इतने कॉस्टली प्लांट लाते हो ना तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना इसमें बनता है, मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। ये कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ ड्राई पाउडर, कोकोपीट जैसा लग रहा है, इट्स अ ड्राई कोकोपीट। तो इसको थोड़ा डालेंगे, लगभग एक चम्मच के करीब, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, वो भी स्टेम के पास डालेंगे, सी स्टेम के पास इसको डालेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे बस। अच्छे से इसको दबा दिया है और ये प्लांट हमने पॉटेड कर दिया है, ठीक। अब आई होप ये हंसता खेलता रहेगा, मैं अभी इसको पानी भी दूंगी पर थोड़ी देर बाद। आज का वीडियो बेसिकली इस बात पे डेडिकेट था कि किस तरीके से लोमी सॉइल को ट्रीट किया जाए, अगर किसी पौधे में लोमी सॉइल जमी हुई है तो वो आपकी मिट्टी के साथ मिक्स नहीं कर पाएगा, तो सबसे पहले हमें उसको हल्का सा ट्रीट करना पड़ता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट प्लांट के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।